हाय व्यूअर्स कैसे हैं आप सब तो आज जो है मैं बहुत दिनों के बाद अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर गई थी और वहां दूसरे सेंटर से एक बहुत ही ज्यादा सीनियर दीदी आई हुई थी उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनाई विच आई वॉन्ट टू तो शेयर विद ऑल ऑफ यू तो एक राजा होते हैं वो भगवान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जितना वो भगवान से प्यार करते हैं उतना ही वो अपनी जो है प्रजा से भी प्यार करते हैं तो जो है एक बार भगवान जो है राजा से खुश होकर राजा को दर्शन देते हैं तो राजा जिद पकड़ लेते हैं कि आपने मुझे दर्शन दिए तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप मेरी प्रजा को भी दर्शन नहीं देंगे क्योंकि राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे अब भगवान उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये भक्त और भगवान के बीच की बात होती है तो जो मेरा तुम्हारे साथ कनेक्शन है या जो तुम्हारा मेरे साथ है वो तुम्हारी प्रजा का मेरे साथ नहीं है लेकिन राजा जो है किसी की मत पर नहीं मानते और भगवान से दराज होकर बैठ जाते हैं कहते हैं नहीं आप मेरी प्रजा को दर्शन नहीं देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है आपका मुझे भी दर्शन दे देगा तो अब जो भगवान जो है उनको तो भक्त की बात माननी पड़ती है तो मान लेते हैं कहते हैं अच्छा ठीक है तो एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस बतला देते हैं भगवान राजा को कि वहां अपनी सारी प्रजा को तुम लेकर आ जाना मैं सबको दर्शन दूंगा ठीक है तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं और पूरे अपने देश में ढिंडोरा पिटवा देते हैं और सारी प्रजा को कहते हैं कि भाई इस दिन इस समय पे निकलना है और सारे के सारे भी बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारे राजा कितने अच्छे हैं हमें इनकी बदौलत जो है भगवान के साक्षात दर्शन होने वाले हैं तो जब वो सब लोग चलते हैं तो रास्ते में एक कॉपर के कॉइन्स का जो है अपना कॉपर तांबे के हाँ तांबे के सिक्कों का जो है पहाड़ आता है और तांबे के सिक्के तांबा जो है उन दिनों काफी महंगा होता था तो काफी जो लोग हैं वन फोर्थ करीब लोग जो है वहीं पे रुक जाते हैं कि हम ये क्वाइंस इकट्ठे कर ले भगवान से तो मिलते रहेंगे तो इनको बेच के तो माला माल हो जाएंगे तो बाकी के जो थ्री फोर्थ लोग हैं वो राजा के साथ पीछे पीछे चलते हैं थोड़ी देर आगे जाने पर एक इसी तरह से चांदी के सिक्कों का पहाड़ आता है तो अब आधे लोगों को और लालच आ जाता है और वो वहीं रुक जाते हैं फिर जो थोड़े बचे हुए लोग होते हैं वो राजा के साथ और आगे बढ़ते हैं तो वहां पे इसी तरह से एक सोने के सिक्कों का पहाड़ आता है तो सारे के सारे जितने बचे हुए लोग थे सब वहीं रुक गए क्योंकि सोना बटोरले भाई बहुत अमीर हो जाएंगे तो भगवान से तो मिलते रहेंगे सिर्फ राजा रानी बचते हैं और आगे चलते हैं अब कुछ देर आगे चलने पर बहुत ही नायाब नायाब और एकदम अनोखे किस्म के बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत हीरे बिखरे हुए मिलते हैं राधी को एक जगह तो रानी को भी लालच आ जाता है कि इतने सुंदर तो अगर मैं हीरे पहनूंगी जवाहरात अपने हर जगह लगाऊंगी तो बहुत ही शान बनेगी मेरी तो मेरे को तो यही सब बटोरने राजा आप ही जाइए और भगवान से मिलाइए और वापसी में आप मुझे लेते चलना तो अब जो है राजा जाते तो है भगवान के पास जब पहुंचते तो बिल्कुल अकेले पहुंचते हैं तो बहुत शर्मिंदा होते हैं और राजा को भगवान का जो पॉइंट था वो समझ में आ चुका होता है तो आप लोग अब बताइए कि आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा हैव अ नाइस nice, से बाय